हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपके लिए लाया हूँ इंडिया की बेस्ट स्कूटर के बेस्ट टायर के बारे में। इंडिया की बेस्ट स्कूटर कौन सी है? इंडिया की बेस्ट स्कूटर वो है जिसे जवान भी चलाता है, बूढ़ा भी चलाता है, लड़की भी चलाती है, लड़के भी चलाते हैं। दोस्तों, आज की तारीख में प्रीफर्ड व्हीकल जो है आपके ऑफिस जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए या फिर स्कूल जाने के लिए, ये है स्कूटर होंडा एक्टिवा, जो 2000 में लॉन्च की थी होंडा कंपनी ने। 18 साल हो गए उस स्कूटर को। 18 साल में कंपनी ने 1 करोड़ से ज्यादा स्कूटर बेची है। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, उसके कंपटीशन में सुजुकी एक्सेस आई है, काफी दूसरी व्हीकल्स भी आई है उसके कंपटीशन में। दोस्तों, मोस्टली तो टायर पैटर्न है सब में वो सेम लगता है, टायर साइज में थोड़ा 19-20 है लेकिन जो पैटर्न है वो सेम है। तो आज हम बात करेंगे इसके बेस्ट टायर के बारे में। बेस्ट टायर कौन सा है? दोस्तों, ये बेस्ट टायर होता क्या है? बेस्ट टायर ये होता है जो आपको ज्यादा कंफर्ट दे, जो अच्छा हैंडलिंग दे, जो अच्छा कॉर्नरिंग दे और अच्छी ग्रिप दे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अच्छी लाइफ दे। स्कूटर के लिए मैंने 4 बेस्ट टायर की कंपनियां चूज की है। उनके चारों टायर यहाँ पे है, ये चारों पैटर्न्स है, ये चारों पैटर्न्स को हम देखेंगे और आप इसमें से एक पैटर्न चूज कर सकते हो। देखते हैं एक बार वन बाय वन इस टायर को। दोस्तों, वीडियो चालू करने के पहले एक चीज बताना चाहूंगा, इस वीडियो के लिए मैंने कोई भी कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं ली है। तो देखते हैं सब टायर्स, जितने भी टायर का दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे, वो टायर्स का साइज है 90, 110, 90, 110, जो मोस्टली सारी स्कूटर में लगता है। सो तो दोस्तों शुरू करते हैं MRF टायर के साथ में। MRF का जो टायर लिया है हमने वो है जैपर नाइलो ग्रिप। दोस्तों, नाइलो ग्रिप जैपर एक काफी अच्छा टायर है वेट वेदर कंडीशन के लिए भी। जो ये आपको ग्रूव्स दिख रहे हैं, ये ग्रूव्स वाटर इवैक्यूएशन के लिए बनाए हैं, काफी अच्छा परफॉर्म करेगा वेट वेदर कंडीशन में। ड्राई ग्रिप तो अच्छी होगी ही होगी। ये जो टायर स्पेशली डिजाइन किया है सिटी रोड्स के लिए, हाईवे के लिए, आप अगर टूरिंग करते हो स्कूटर पे, सो ये बहुत एक अच्छा टायर है, कंफर्ट अच्छा देगा, ग्रिप अच्छी मिलेंगी आपको इसमें, और जब आप कॉर्नरिंग करते हो तो भी अच्छा परफॉर्म करेगा। सो दिस टायर द वे जैसा डिजाइन किया है, ये सिटी के लिए एक बेहतरीन टायर है MRF ने जो बनाया है। लाइफ अच्छा मिलेगा। दोस्तों, लाइफ के बारे में बताना चाहूंगा, 15 से 20 हज़ार के बाद में इस टायर को चेंज कर दीजिए। अगर उससे ज्यादा आप चलाते हो तो वाटर इवैक्यूएशन कम होगा, बारिश में टायर स्लिप होने के चांसेस है। सो टायर की बात करते हैं, जैपर पैटर्न है, वाटर इवैक्यूएशन के लिए अच्छा है, हैंडलिंग अच्छा होगा इससे, कॉर्नरिंग अच्छा होगा। स्पेसिफिकेशन है ये टायर के, आप देखो ये टायर है रोटेशनल टायर है। दोस्तों, आप टायर फिट करते हो इसे, एक चीज का ध्यान रखना, आपका जो रोटेशन है वो सही होना चाहिए। MRF में दोस्तों MRF ने 4 प्लाई यूज किए है इस टायर में, आप देख सकते हो यहाँ पे ये 4 प्लाई है। और ये जो टायर है ये ट्यूबलेस टायर है। 2010 के बाद में सारी एक्टिवा में ट्यूबलेस टायर आना चालू हो गए थे। सो ट्यूबलेस टायर है, रिम आपका अच्छा होना चाहिए, तो आप पुराने ट्यूब टाइप टायर को भी ट्यूबलेस कर सकते हो या आप रिम चेंज करके ट्यूबलेस टायर उसे बना सकते हो। अच्छा प्रोडक्ट मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूंगा, काफी नई नई बाइकों में ये कंपनी के साथ में भी लग के आता है। जो स्टैंडर्ड वारंटी आती है MRF के यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के लिए ही, अगर आपके टायर में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो कंपनी आपको प्रोडेटा बेसिस पे रिप्लेस करके देंगी। तो ये हो गया नाइलो ग्रिप जैपर, जो एक अच्छा पैटर्न मुझे लगता है। दोस्तों, अब बात करना चाहूंगा मिशलिन सिटी प्रो टायर की। मिशलिन सिटी प्रो टायर, ये सिटी प्रो जो लिखा है, दिस इज मेंट टू बी फॉर सिटी यूज ओनली। सो हाईवे के लिए या सिटी के लिए, टूरिंग के लिए काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। जो ट्रेड पैटर्न है आप देख रहे हो, ट्रेड पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पे, इट्स वेरी गुड फॉर वाटर इवैक्यूएशन, बारिश में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, ड्राई ग्रिप भी अच्छा देगा। की जो डिजाइन बनाई है ये कंफर्ट राइड देने के लिए बनाई है। दोस्तों, लाइफ के बारे में बात करेंगे इस टायर की, 15 से 20 हज़ार इसकी लाइफ आप एक्सपेक्टेड है। काफी अच्छा रिव्यूज इस टायर का मैंने सुना है अभी तक, जितने भी कस्टमर या जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनसे। अंदर कंपनी ने नायलन यूज किया है 4 प्लाई, ये भी 4 प्लाई नायलन का टायर बना हुआ है। ये जो टायर है फ्रंट में और रियर में ये सेम ही टायर लगता है। फ्रंट के लिए और रियर के लिए जो डायरेक्शन दिए यहाँ पे, ये जो डायरेक्शन दिख रहा है आपको, ये जो डायरेक्शन है ये फ्रंट के लिए अलग है, रियर के लिए अलग है। सो सेम टायर आप फ्रंट में भी डाल सकते हो उसे, रियर में भी डाल सकते हैं। आप डालने के पहले डायरेक्शन चेक कर लीजिए। वारंटी की बात करेंगे दोस्तों, कंपनी इसका 5 ईयर्स का वारंटी दे रहा है, स्टैंडर्ड वारंटी है फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स ओनली। कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है अगर टायर में, कंपनी इसे प्रो डेटा बेसिस पे आपको रिप्लेस करके देंगी। काफी अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा सिटी यूज के लिए, टूरिंग के लिए। टायर जो बनाया है दोस्तों, ये मेड इन इंडिया टायर बनाया है, TVS के फैक्ट्री में बना हुआ टायर है। दोस्तों, ये जो टायर देख रहे हैं हम लोग अभी, ये जो टायर है ये TVS का ड्रैगन प्लस करके है। ड्रैगन प्लस आप देखेंगे, ये जो ब्लॉक्स पैटर्न है, ये ब्लॉक्स पैटर्न मोस्टली ये ब्लॉक्स ऑफ रोडिंग व्हीकल्स में आते हैं, लेकिन इन्होंने स्कूटर के लिए भी बनाया है। काफी अग्रेसिव
एग्रेसिव ट्रेड डिजाइनिंग है जो मुझे पसंद आई, जिसका फीडबैक भी काफी अच्छा है। आप अगर स्कूटर चला रहे रफ रोड कंडीशंस में जहां खड्डे हैं, छोटे मोटे खड्डे, रोड कंडीशन अच्छी नहीं है, इस टायर को डालिए। बहुत एक अच्छा टायर जो कि वेट वेदर कंडीशन में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, और ये जो ब्लॉक्स है ये आपको ऑफ रोड में या ऑन रोड में काफी अच्छा कंफर्ट देंगे। दोस्तों ब्रेकिंग भी बहुत अच्छा है इस टायर का, और मुझे एक खास चीज इस टायर की लगी है, ये जो टायर है ये जैसे बाइक्स में हम लोग ऑफ रोड के टायर्स देखते हैं लेह लद्दाख जाने के लिए लोग ऐसे टायर यूज करते हैं, वैसे इस कंपनी ने स्कूटर के लिए भी दी है। सो एक बहुत अच्छा टायर मुझे लगा टीवीएस कंपनी ने। दोस्तों इसके साथ में दी है अनकंडीशनल वारंटी। अनकंडीशनल वारंटी का मतलब होता है अगर आपके टायर को कट लगता है या आपका टायर फट जाता है, अगर आपका टायर रिपेयरेबल नहीं है तो आप कंपनी से क्लेम कर सकते हो। कंपनी प्रो डेटाबेसेस पे आपको नया टायर देगा, आपने जितना टायर यूज किया है उतना पैसा कंपनी काट लेगा। आपका टायर 50% वेयर आउट होता है, दैट मींस कंपनी समझ लेती है कि आपने टायर को यूज कर लिया, कंपनी उसके बाद में कोई भी क्लेम पास नहीं करेगी। बेस्ट टायर अगर आप ऑफ रोडिंग या अगर आप आपके रस्तों की कंडीशन, अगर आप छोटे विलेजेस में वगैरह चला रहे, गांव में अगर आप एक्टिवा को चलाते हो, रोड की कंडीशन अगर अच्छी नहीं है, तो आई विल डेफिनेटली रेकमेंड यू टू गो विद टीवीएस ड्रैगन प्लस। एक बहुत अच्छा टायर मुझे लगा। तो अब बात करेंगे मैक्सिस की। मैक्सिस जो की टू व्हीलर टायर में वर्ल्ड की एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। मैक्सिस टायर की रिसेंटली इन्होंने अहमदाबाद में गुजरात में प्लांट डाला है। ये टायर जो की हम रिव्यू कर रहे हैं वो है M6000R जो कि ओई फिटमेंट में होंडा में लग के आ रहा है काफी जगह पे। दोस्तों बात करेंगे मैक्सिस टायर की, जो डिजाइन है ये काफी तीनों टायर से काफी अलग डिजाइन है। ये जो पैटर्न है ये इट इज अ काइंड ऑफ अ क्रूजिंग पैटर्न। जो पैटर्न है साइड वॉल में कंपनी ने टू प्लाई यूज किए, मिडल में भी टू प्लाई यूज किए नायलन के, चार प्लाई का टायर है, स्ट्रेंथ अच्छी है टायर की। जो डिजाइन ग्रिप लग रही है जिससे मुझे लग रहा है कि वेट वेदर कंडीशन में भी टायर अच्छा परफॉर्म करेगा। टायर के अंदर स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा लग रही है कंपेयर टू अदर, वेट में भी काफी अच्छा है टायर, थोड़ा लाइट है तो परफॉर्म भी अच्छा करेगा, माइलेज भी अच्छा देगा। और मुझे इस टायर का एक बेनिफिट ये लगा कि आप जब कॉर्नरिंग करते हो, कॉर्नरिंग के इसमें आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देगा। ब्रेकिंग वाइज भी मुझे अच्छा लगता है दोस्तों। मैक्सिस ये एक कंपनी है दोस्तों जिन्होंने रियर का टायर अलग बनाया है और फ्रंट का टायर अलग बनाया है। फ्रंट का टायर अभी मेरे पास में अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ्रंट के टायर में यहाँ पे बीच में एक लाइन होती है, सो फ्रंट के लिए अलग टायर बनाया है, रियर के लिए टायर अलग बनाया है। ये भी रोटेशनल टायर है। मोस्टली ये सारी कंपनियों के टायर आप फ्रंट में और रियर में सेम टायर डाल सकते हो, लेकिन मैक्सिस में फ्रंट का अलग टायर है, रियर का एक टायर अलग है। क्वालिटी है, जो फिनिशिंग है टायर का वो काफी अच्छा फिनिशिंग है, ISI मेड इन इंडिया, आप देख रहे हो मेड इन इंडिया का टायर है। आपको पता ही है कि स्कूटर का मार्केट शेयर जो इंडिया में है वो काफी बड़ा है, सो मैक्सिस ने जो एंट्री की है इंडिया में विद स्कूटर टायर, काफी अलग अलग पैटर्न्स बनाए हैं स्कूटर के अंदर। देखते हैं अगर फ्यूचर में कंपनी के साथ में काम करने का मौका मिलता है तो मैं आपको मैक्सिस की सारी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। दोस्तों मैक्सिस की वारंटी पॉलिसी देखते हैं। वारंटी पॉलिसी जो है वो 5+1 है। 1 जो है वो 1 ईयर फ्री रिप्लेसमेंट है जिसके अंदर प्रो डेटाबेसेस नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट रहेगा। सो फर्स्ट ईयर में अगर आपका टायर में क्लेम आता है, कुछ भी इशू आता है, तो फर्स्ट ईयर में आपका फ्री रिप्लेसमेंट ओके मिलेगा जिसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। काफ़ी अच्छी पॉलिसी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में एक बेल आइकन दिया है उसे प्रेस कीजिए तो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा। राइडर्स प्लीज़ वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज़ वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।